When we discuss the properties of different integrals, right, the first and the very easy property is that whenever you change the variable, then the value of the definite integral remains constant. Right? As you know, that definite integration gives you what? It gives you the area under the curve. Right? It gives you area under the curve. So if I explain it to you in a very quick manner, this is your x-axis, that is your y-axis, and if when you are saying about any function, let's say that is your y is equal to fx and this point is your a and this is your point b. So geometrically or practically speaking, when they are writing an expression fx dx from a to b, that simply means that if this is the graph of fx, right, if this is your fx, then a to b ka matlab kya hota hai, that you are considering area under the curve. Iske andar jo bhi area hai us cheez ko hum log add kar lete hain, theek hai. अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह t रख देता हूँ या y रख देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट वुड रिमेन द सेम, विल गेट द सेम एरिया. ओके, इफ यू एवर चेंज द लिमिट्स देन द नेगेटिव साइन वुड कम. अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप चेंज करते हो, द नेगेटिव साइन वुड कम. ठीक है, अगर यहाँ पे इसका एक पार्टिकुलर इसी का सब पार्ट दे रखा है कि अगर a से a करोगे, तो यहाँ पे भी बात समझने की है कि अगर a इज इक्वल टू a, मतलब यहाँ से सेम पॉइंट पे आप ले रहे हो, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. राइट, एक ही पॉइंट पे अगर आप एरिया देख रहे हो, किसी एक पॉइंट का एरिया क्या होता है, किसी एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है? इट इज जीरो. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है. हाँ, प्रॉपर्टी नंबर टू, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं. अगर आपके पास कोई पॉइंट सी है, राइट, विच इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, विच इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, राइट, देन यू कैन ऑलवेज ब्रेक दिस लाइक दिस. ठीक है, ये जो सी है, ये वाला पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में होना कंपलसरी है. इसका ध्यान रखना है, इट कैन नॉट बी लेस देन ए, इट कैन नॉट बी मोर देन बी. It has to be between a and b. So you can break the integral in this form, a to c, right, and then c to d, fx dx. Okay, देखो मैंने first expression में dx नहीं लिखा है, that is wrong, right? ये dx compulsorily होना चाहिए. आप इसको diagrammatically आसानी से समझ सकते हो कि अगर ये point आपका a है, ये point b है, बीच में अगर कोई point c है, तो a to c आपने integration किया, तो आपको क्या पता लगा? ये वाला area पता लगा. और जब आपने C टू B किया, तो आपने ये वाला एरिया किया, तो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया या फिर ऐसे ब्रेक करके किया, दैट इज ऑल द सेम. ठीक है, दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, रादर आई वुड से दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट इज a प्लस a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x. नाउ दिस सर्टेनली इज अगेन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी. तो आइए, यहाँ से हमने लास्ट तक तो प्रूफ आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी करा, और यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑल दो द लेक्चर इज ऑन रिकॉर्ड, बट यू शुड नॉट बी अनकम्फर्टेबल चिल्ड्रेन. वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज द माइक और द चैट बॉक्स. ओके, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिकॉर्डिंग. ओके, इट इज अल्टीमेटली डन फॉर यू. एनी वन एल्स इज बेनिफिटेड, दैट इज ऑल राइट, बट देन यू शुड बी बेनिफिटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो ध्यान से देखो, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ. राइट, वी हैव टू प्रूव कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है, विच इज एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर फोर, इसको P3 NCERT में दे रखा है. तो इसको देखते हैं कैसे इसको हम डील करेंगे. देखो, यहाँ पे मैं इसकी शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूँगा कि a प्लस बी माइनस एक्स, मैं इस एक्सप्रेशन को ना टी लेके स्टार्ट करना चाहूँगा. वाई? बिकॉज एट टी एंड मुझे ये समझ में आता है कि वहाँ पे x की जगह पे ये पूरी चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है. तो दैट इज हाउ आई वुड स्टार्ट द क्वेश्चन. वाई, ये देखते हैं वट कैन बी डन. यहाँ से जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मुझे बहुत ईजिली ये बात समझ में आती है कि यहाँ से मुझे क्या मिल गया, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वन, और वी कैन से माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर मैं डी एक्स की जगह पे क्या लिखना चाहूँगा, माइनस डी टी लिखना चाहूँगा. ठीक है, अगर मैं इसके एल एच एस से शुरू करूँ, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ए से ले करके बी तक, और ये क्या है बच्चों, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने एक्स की जगह पे क्या रखना चाहिए, ए प्लस बी माइनस टी. ओके, अगर मैं ए प्लस बी माइनस एक्स को टी ले रहा हूँ, तो एक्स कितना हो जाएगा, इधर आकर के ए प्लस बी माइनस टी हो जाएगा. ठीक है, सो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी माइनस टी, और डी की जगह पे क्या आने जा रहा है बेटा, माइनस डी टी. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैं माइनस साइन को यहाँ बार लगा रहा हूँ, और ये डी टी ले रहा हूँ. लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, इसका ध्यान रखना. जब x आपका a था, उस समय t कितना हो रहा है, ध्यान से देख लो बेटा, जब x a है तो t कितना है, इट इज b, सो आई पुट b हेयर. और जब आपका x b है, उस समय a कितना, उस समय तुम्हारा t कितना है, उस समय योर t इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दिस इज कमिंग आउट टू बी a.
आई होप दैट इज क्लियरली अंडरस्टूड टू यू. नाउ यहाँ पे अगर आप जो आपने सेकेंड प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ी थी कि अगर हमें लिमिट्स चेंज करने हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन को लगाऊं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरी लिमिट्स कहाँ पे चेंज हो जाएगी, फिर से ए टू बी हो जाएगी. और ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी ऑफ टी. अगेन बाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव डन वट दैट एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ एक्स वी कैन चेंज द वेरिएबल्स राइट. डेफिनेट इंटीग्रल दे आर जस्ट वैल्यूज एक्सप्रेशन, यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है बिकॉज यहाँ पे तो हमें तो डायरेक्टली वैल्यू निकल के आती है. तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. बात समझ में आई? तो दैट इज हाउ दिस कुड हैव बीन डन राइट, दैट इज यू कैन मूव अहेड विद दिस. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी एप्लीकेशन तुम्हें काफ़ी मिलेगी राइट. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसी का सब पार्ट है, कुछ खास नहीं करना है. स्मॉल ए की जगह पे जीरो रख लो और क्या स्मॉल बी की जगह पे ए रख लो, यू गेट द एग्जैक्टली द सेम थिंग. यानी अगर कभी प्रूव करने की नौबत आती है तो कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे आप a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेके स्टार्ट करोगे एंड एग्जैक्टली विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. ओके, दैट इज हाउ यू कुड हैव डन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट. अगर ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है. सो कमिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज देयर ऑन आवर स्क्रीन द लास्ट वन, दिस इज अगेन, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी काफी रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो देखो कैसे इसको करेंगे. ये कह रहे हैं कि अगर जीरो से टू ए है तो हमारे पास ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स और फिर 0 से 2a माइनस एक्स होगा. ठीक है भाई, चलिए प्रूव करना है, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है. तो मैं सबसे पहले इसमें कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं जो भी LHS पे एक्सप्रेशन है 0 से लेके ट्वाइस ऑफ a एफ एक्स डी एक्स और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि 0 से a यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है तो मैं इसको 0 से a, मतलब मेरे पास c एक कोई भी मिड पॉइंट है राइट. ऑब्वियसली बात है 0 से 2 के बीच में 0 से a एक पॉइंट होगा ना. सो दैट इज एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू ट्वाइस ऑफ a. आई होप यू आर ओके विद दैट. एफ एक्स डी एक्स दैट इज व्हाट आई कैन राइट राइट. अभी अभी तुमने ये प्रॉपर्टी पीछे कर रखी है, आई होप यू आर ओके. सो दिस इज ओके, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई शुड वर्क ओनली ऑन द सेकेंड पार्ट. सो लेट अस टेक दिस एज आई वन, है ना, इसको मैं आई वन कह लेता हूँ. और इस तरह के इक्वेशन को हम लोग हमेशा इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं. आई वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर वी प्लग इन इनटू इक्वेशन नंबर वन, दैट इज व्हाट वी डू. सो लेट्स सी व्हाट इज आई वन, विल बी फोकसिंग एंटायरली ऑन आई वन बिकॉज वी नीड टू प्रूव दैट सी दिस द फर्स्ट पार्ट इज ओके, दैट इज व्हाट यू वांट. यू हैव टू वर्क ऑन द सेकंड पार्ट, द लिमिट्स शुड बी चेंज फ्रॉम जीरो टू ए एंड इट शुड बी ट्वाइस ऑफ ए माइनस एक्स. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मेरे पास ये, चलो मैं ऐसा करता हूँ पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ फिर आई वन को रखता हूँ. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे 2a माइनस एक्स चाहिए तो यहाँ से हिंट मुझे क्या मिल रहा है कि मैं 2a माइनस एक्स को क्या एज्यूम कर लूँ, t एज्यूम कर लूँ. तो तुम्हें ये बात समझ में बहुत क्लियरली आती है क्या, कि जब मैं 2a माइनस एक्स को t लूंगा तो dx किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, माइनस dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो मैं स्ट्रेट अवे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, मैंने x की जगह पे क्या रखना है बेटा, That will be 2a minus t. और dx की जगह पे क्या आने वाला है, माइनस डी टी. सो दैट इज माइनस डी टी. नाउ टेल मी, जब तुमने x इज इक्वल टू a रखा, ध्यान से देख लो, जब तुमने x इज इक्वल टू a रखा तो t कितना हो गया, दैट इज a, 2a minus a. और जब तुमने x की जगह पे twice a रखा तो twice a minus twice a is zero. So that will be what from? The limits will be varying from a to zero. Now again applying the basic rule, if you change the limits, the sign is changed. तो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये जीरो से लेकर के ए तक और यहीं पे वेरिएबल भी चेंज कर दूं एक ही स्टेप में. ठीक है, टी के जगह पे आई कैन चेंज इट टू एक्स वाई जो भी चाहिए एज पर आर सूटेबिलिटी एंड हेंस यू कैन से व्हेन यू प्लग इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन यू गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड. इफ यू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट जस्ट राइट आई यू, आई अंडरस्टैंड. इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग ईदर यूज द चैट बॉक्स और द माइक, डू इट फास्ट, जल्दी से करो भाई. आज प्रॉपर्टी सारे कराना चाहता हूँ और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सर्टनली टच करना चाहूँगा मैं राइट. बिना क्वेश्चंस के मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती राइट. आई स्ट्रांगली फील जब तक क्वेश्चंस ना कराओ मुझे ऐसा लगता है नहीं यार कुछ कराया नहीं, कुछ मिसिंग है. सो दैट इज वंडरफुल चिल्ड्रेन, थैंक यू फॉर द कंसेंट, लेट्स मूव ऑन. आइए प्रॉपर्टीज वाइज आप सारे कर रहे हैं, कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं ये है कि तुम आज की क्लास के बाद तुम डेफिनेट इंटीग्रल में सब कुछ कर सकते हो. नाउ आई लीव द बॉल इन योर कोर्ट राइट, वेदर यू go for a six or you go for a duck or you are bold, I don't know,
राइट, मतलब मैंने अपने लेवल पे तुम्हें आज कॉन्सेप्चुअली सारा सूरा डेफिनेट फिनिश कर दिया सिलेबस को पेस अप करने के लिए, बट एट द सेम इंस्टेंस आई अंडरस्टैंड दैट आपके डाउट्स को बताए बिना मैं आगे सिलेबस नहीं भगाने जा रहा, ठीक है? तो मेहनत करो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैं क्लास में कराता ही रहूंगा। आप भी जानते हो जब आज सारे थ्योरी आज फिनिश होने वाली है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होने वाले हो, तो उसके बाद तो क्वेश्चंस ही करना है ना। अब वो आप कितना दिन लगाते हो दैट इज अप टू यू, कोशिश करो 3 दिन में फिनिश करने की, मतलब अगर मैं आइडियली बोलूँ तो, ठीक है? अगर तुम बहुत ठीक से भी करोगे ना, बिना प्रेशर लिए हुए रोज 20-20 क्वेश्चन भी कर रहे हो, राइट, जेन्युइनली चाहे तुम 20 के 20 डाउट पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो आराम से तुम 3 दिन में इसको फिनिश कर लोगे। बहुत ज्यादा रिलैक्स करोगे तो 4 दिन, और बिल्कुल निकम्मापन भी करोगे फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दिस इज ऑन रिकॉर्डिंग, दैट्स ओके, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप। ओके, लेट्स सी, लेट्स लुक इनटू दिस। मैं भूल ही गया था रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं, और मैं ट्रिम करता भी नहीं, ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, दैट्स ओके। वन व्होएवर इज वॉचिंग दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 0 से लेके 2a तक, और ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका f ऑफ x ट्वाइस ऑफ दिस, एंड इफ f ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस x इक्वल टू fx, अदरवाइज दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस। ओके, तो अभी तुमने क्या सीखा था, जरा उस पर वापस जाओ। अभी तुमने दैट इज व्हाट यू लर्न, अगर 0 से 2a है तो आपने ये सीखा था, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी को मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार पलट के लिख देता हूँ, ठीक है? आई विल जस्ट राइट इन ऑर्डर टू प्रूव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई कैन सर्टेनली मेक यूज ऑफ द प्रीवियस प्रॉपर्टी। ओके, सो 0 till 2a, इफ यू हैव एफ एक्स डी एक्स, वट वी जस्ट प्रूव वॉज, इफ आई राइट इट इन अ शॉर्टर एंड बेटर मैनर, दैट विल बी 0 to a एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स। यही तो किया ना, दो लिमिट्स थे 0 से, तो भाई बात तो सेम ही है, मैंने एक साथ इसको इकट्ठे लिख दिया, ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं, ये चीज़ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इसी का सब पार्ट है, राइट? ये चीज़ यहीं से निकल के आती है, ध्यान से देखो। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स है, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसा समझ सकते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे 0 से लेकर के और 2π है, ठीक है? 0 से लेके 2π है, और यहाँ तुम्हारे पास साइन एक्स है, ठीक है? 0 से लेके 2π है, या 0 से π भी ले लो, कोई क्या फर्क पड़ रहा है, 0 से π ले लो, ठीक है? साइन एक्स डी एक्स है, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 2a की जगह पे क्या है, 2a की जगह पे तुम्हारे पास π है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, मतलब मैं तुम्हें इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी साइन ऑफ π माइनस एक्स, एंड आई होप यू नो दैट साइन ऑफ π माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, ठीक है? दिस साइन एक्स, तो वहाँ पे दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। यानी अगर मेरे पास कोई कंडीशन दे रखी है 0 से लेके π साइन एक्स डी एक्स, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं इसको क्या बोलूंगा, 0 से लेके π/2, 0 से a हो गया ना, जो 2π था वो a हो गया, 2a बन गया, तो ये कितना हो गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 to π/2, और ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, राइट? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स यानी क्या, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, सो दैट इज वॉट वी अंडरस्टैंड। अगर तुम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो ये, क्योंकि बहुत इजी फंक्शन है, मैं इसमें तुम्हें थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी दे सकता हूँ, चलो दे देता हूँ। देखो साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि सर को तो ग्राफ बनाना बड़ा मजा आता है, तो देख लो, राइट? साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा तुम्हारा 0 और ये रहा तुम्हारा पाई, राइट? अगर तुम इस बात को समझना चाहते हो कि होता क्या है, तो भाई 0 से लेके π तक तो ये ग्राफ है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि 0 से π/2 को डबल कर दो, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। देखो कितनी इजी से बात कह रहे हैं भाई, 0 से π/2 जितने एरिया होगा उतना ही एरिया π/2 से पाई होगा, ये बात तो तुम्हें अदरवाइज भी समझ में आ रही होगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो वेर एवर 2a - x, यानी कि जब कभी भी इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग, इस लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, a, अगर तुम इसको थोड़ा सा और डीप में समझना चाह रहे हो तो, ठीक है? तो अगर ये a है तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर ये सिमेट्रिकल है तो हमेशा ट्वाइस होगा, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है का क्या मतलब है, यही बताता हूँ। जैसे सपोज करो इसी ग्राफ को आगे बढ़ा लो, राइट? और यहाँ जो लिमिट है, आप इस लिमिट को ले लो 0 से लेकर के 2π, ठीक है? आप इसको ले लो 0 से लेकर के 2π, तो अब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ पे है, ए पे होती है। अगर ये हमारे पास 0 से 2a है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है बेटा, ए पे। मैं इसको तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ, जो कि ए ओ डी में तुम्हारे लिए काफ़ी काम की चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास ये लाइन है,
दिस इज ए, ए वाले लाइन ये है, ठीक है। तो अब ये देखो जितना एरिया तुम्हारे पास ऊपर है उतना एरिया तुम्हारे पास नीचे है, और ये ऊपर नीचे ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा और इस वाले एरिया का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स एक्स के ऊपर जो भी एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्स के नीचे जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियस बात है इस केस में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दिस थिंग विल बी जीरो, ठीक है। तो दैट इज द ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिचुएशंस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो ये वाली चीज आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो जैसे हम यहाँ पे अभी करते आए हैं, और ज्योमेट्रिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एनीवेयर, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से आपके पास, व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, देन इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द सेम वैल्यू, बिकॉज ये एफ एक्स बन गया ना, तो सेम ही चीज आ गई, यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, व्हेन, राइट, इफ द कंडीशन इज व्हाट, द कंडीशन इज that whenever f of 2a minus x is equal to fx. If this is the case, only then this becomes this. Otherwise, it becomes what? Otherwise, it becomes zero. Right? When f of 2a minus x is equal to minus of fx. एक ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली चीज माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे तुमने माइनस रखा तो प्लस माइनस जीरो हो गया, मतलब तुम इसको अलजेब्रा से भी जीरो प्रूव कर सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। अगर ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई तो जरा एक बार हैंड रेज करके बताओ, जस्ट रेज योर हैंड, नो कमेंट्स रिक्वायर्ड, जस्ट रेज योर हैंड, ओके, दैट्स फाइन। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट और यू कैन यूज द माइक, दैट्स ओके। ठीक है शिशिर, तुम आज काफी लेट हो गए थे क्लास में, आई जस्ट सॉ यू एंटर्ड द क्लास वेरी लेट, बी पंक्चुअल बेटा, ओके। So proceeding ahead, let's move on to the next property that we have, the seventh one. आइए इसको भी देखते हैं, समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं ऐसा सर जीरो वाला मतलब समझ नहीं पाया। अच्छा जीरो वाला कैसे आया ये पूछ रहे हो? जीरो वाला ऐसे आया कि कंडीशन ही दे रखी है इसमें, बताना ही क्या है बेटा, जब f ऑफ 2a माइनस x अगर माइनस ऑफ f(x) होगा, अगर ये माइनस हो जाएगा तो इसी फॉर्मूले में जो तुमने अभी अभी प्रूव किया था, राइट, द प्रीवियस वन, अगर ये वाली चीज़ तुम्हारे पास माइनस f(x) हो गई बेटा, तो ये प्लस f(x) और माइनस f(x) तो जीरो ही हो गया ना, तो जीरो से लेके ये क्या बन जाएगा, फिर जीरो ही बन जाएगा, प्लस माइनस इज गेटिंग कैंसिल्ड, ठीक है। चलो देखो इस वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। ये बड़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी, राइट। एग्जांपल देता हूँ इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले, चलो थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा मेरे पार्ट से। मुझे उम्मीद है कि आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जानते हैं, राइट। इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है तो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, राइट। ऑड फंक्शन का एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज एन ऑड फंक्शन। और क्या हो सकता है भाई, एक्स क्यूब, दैट इज एन ऑड फंक्शन, एक्स, दैट इज एन ऑड फंक्शन, टैन एक्स, दैट इज एन ऑड फंक्शन, समझ रहे हो कि नहीं, ये सब के सब क्या हैं, ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है। x की पावर 7 ऑड फंक्शन, x की पावर 2n माइनस 1 एनी ऑड नंबर, दैट इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शंस क्या होते हैं, इवन फंक्शंस वो होते हैं जहाँ की माइनस x करने पे भी वो प्लस x बन जाता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, x की पावर 4, राइट, कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, देन यू कैन ऑल्सो से, क्या कॉट थीटा भी होता है क्या, cot of minus theta, नहीं, ये तो negative हो जाएगा, है ना, cot theta नहीं हो जाएगा। फिर अगर मैं sin x को बोलूं तो क्या sin x हो सकता है, हाँ हो सकता है, कब, अगर ये square हो, sin square x भी हमारा क्या होगा, even function होगा, क्यों, because minus sin x करूंगा तो उसका square करने पे फिर से positive हो जाएगा, यानी तुम इसमें से किसी की भी अगर पार even कर दोगे तो वो सब क्या बन जाएंगे, even बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ examples हैं even odd के जो तुम्हें question में बहुत frequently मिलेंगे, ठीक है, आप ध्यान रखना इनको, ओके। आइए अब थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, राइट, दैट वाज अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन, नाउ लेट्स लुक इनटू द प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस।
they are saying that if you have minus a to plus a, right, if you have minus a to plus a and you have fx dx, so this is equal to twice of 0 to a fx dx if it is an even function, and this is equal to 0 if this is an odd function. So that's okay, that's very much fine. आइए इसको हम देखते हैं क्या इसका मतलब है, इस बात को हम समझते हैं. तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, हमने LHS से RHS तक पहुंचना है, ठीक है. तो ये रहा LHS. अब दो RHS में मेरे पास दो आउटकम आना चाहिए, जब इवन है तो ट्वाइस हो जाना चाहिए जीरो से ए में, और जब हमारे पास ऑड है तो ये वाली चीज़ जीरो आनी चाहिए. तो चलो बच्चों यहाँ पे इसको यूटिलाइज करके देखते हैं, हाउ कैन वी डू दिस. मैं इसको क्या करूँगा, माइनस ए से जीरो तक ब्रेक कर लूँगा, है ना, जीरो माइनस ए और ए के बीच में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप सभी को. और ऑब्वियस सी बात है फिर हमें जीरो से लेके ए तक जाना है एफ एक्स डी एक्स. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका हिंट तो प्रूफ में ही दिख रहा है कि भाई अगर हमें जीरो से ए पहुंचना है तो कुछ इस तरीके से ही पहुंच पाएंगे, और कुछ कर नहीं सकते. अगेन अब मैं इस पार्ट को टच नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये मुझे जीरो से ए वाला पार्ट तो चाहिए, राइट. जो नहीं चाहिए या जहाँ पे कुछ चेंजेस होने हैं मैं उसी पे वर्कआउट करूँगा. यानी मैं किस पे वर्कआउट करने वाला हूँ, इस आई वन पे वर्कआउट करने वाला हूँ. इसको क्या बोलूँ, इक्वेशन नंबर वन, आई वन की वैल्यू रखेंगे और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन, दैट इज व्हाट वी विल बी सेइंग. ओके, सो लेट्स वर्कआउट ऑन आई वन. आइए आई वन को देखते हैं क्या है. ये है बच्चों आपके पास माइनस ए से लेके जीरो तक एफ एक्स डी एक्स. अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है इसे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस टी ले लूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू माइनस टी ले रहा हूँ, तो बच्चों क्या आ रहा है मेरे पास, मेरे पास आ रहा है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. ये पूरा जो आई वन है ये कैसा एक्सप्रेस होगा, ध्यान से देखो. मैंने माइनस टी लिया है तो ये तो हो गया मेरे पास माइनस ऑफ टी, एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है ना, दिस कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ टी. और डी एक्स की जगह पे क्या हो गया बच्चों, दैट इज माइनस ऑफ डी टी. And when I replace the limits, so when I put x is equal to minus a, I get t is equal to plus a. And when I put x is equal to 0, that would be 0, because minus 0 doesn't make any sense. So if I change the limits, this minus sign would be absorbed. That would be 0 till a f of minus t dt. And you very well know I can replace the variables by whatever variable is required. Indefinite integration, it can be done. Okay? Because that is just a value. So, इस तरीके से मैंने इसको express किया. ठीक है? अब I1 की value जब मैं यहाँ पे replace करने जा रहा हूँ, I hope आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो यहीं पे erase करके लिख दूँ. Right, just, I'll just erase this value and I'll put it here. Shall I? Okay. So, see. Where have you reached? Where have you reached? Let's see. This becomes 0 till a f of minus x, right? और ये भी 0 से है तो मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, that is f of x. Now they're saying that they have asked us to take two cases, when fx is odd and when fx is even. So whenever fx is odd, अब इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बात करने जा रहा, मैं सिर्फ ओरली तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि अगर fx odd है तो बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ fx होगा कि नहीं बताओ. तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, फिर क्या हो गया, ये जीरो हो गया. तो वैन इट इज ऑल इट इज जीरो, एंड वैन इट इज इवन ये क्या होता है, प्लस एफ एक्स, तो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या बन गया, टू एफ एक्स, दैट इज वॉट यू गेट द सेकेंड थिंग. इज दैट फाइन चिल्ड्रेन, इफ येस जस्ट टाइप एफ ए बी एंड वी आर डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज, वी आर डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज, इट्स टाइम टू लुक इन टू द क्वेश्चन. ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, डू एज मेनी एज यू कैन, ask as many as you can, no problem. Okay, next 2 days we are going to have good sessions of discussions on this, and certainly you understand that discussion sessions are much more important than this. I believe ye bhi important, ye nahi samjhoge to fir discussion kaise karoge, questions kaise karoge. Theek hai, to ye base hai aur uske upar ki building us pe hi khadi hoti hai, to ab building pe work karna hai, base hamara mazboot ho gaya hai. Chaliye aaiye building ka kuch foundation aaj banate hain, baki baad mein dekhenge. एक्सरसाइज 20.2 में कुछ खास इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह यूज नहीं हो रही हैं, तो आप इसको ट्राई करना, जो भी डाउट आए पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करता हूँ जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हुई दिखेंगी, थर्ड एक्सरसाइज. सो आई डायरेक्टली कम टू दिस थर्ड एक्सरसाइज. आइए देखो,
थर्ड एक्सरसाइज मैंने तुमसे कहा भी था कि जहां भी डेफिनेशन चेंज होती है या जहां भी मॉडुलस होता है वहां पे तुम ये वाली प्रॉपर्टी बहुत फ्रीक्वेंटली देखोगे. कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने तुम्हें? ए से बी एफ एक्स डी एक्स, सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स. दैट इज वॉट यू विल बी यूजिंग मोस्टली इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ठीक है, चलो आओ एक दो क्वेश्चन मैं रैंडमली करके बताता हूँ. जैसे हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है, किसी का माइक ऑन हुआ है? तो सी टू बी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा बी मैंने ए लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट. राइट, दैट सर्टेनली इज बी, वी कैन नॉट चेंज द लिमिट, राइट, इट हैज टू बी बी. चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन आओ, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और एक कोई मॉडुलस का पिक कर लेते हैं. मॉडुलस के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको पेपर में मिलते हैं, इसलिए एक मॉडुलस पिक कर लेते हैं. मॉडुलस में कोई सा विचार है तो मॉडुलस ही दिख रहे हैं इधर, तो कोई सा भी पिक कर लो. राइट, मान लो ये पिक कर लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो दो क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में जाना चाहिए और क्लास के बाद जब तुम करना शुरू करो तो तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये मेरे पास जीरो से लेके नाइन तक है और यहाँ पे लिमिट्स दे रखी हैं क्या, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, बड़ा तगड़ा यार ये, और पाई बाई टू से लेकर के थ्री तक, और फिर थ्री से लेकर के नाइन तक, तीन डेफिनेशंस हैं. राइट, दैट इज वेयर दैट सी थिंग कम्स इन टू प्ले. राइट, मैं इसको कैसे ब्रेक करने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया लग चुका होगा, पूरा आइडिया अभी ध्यान से देखो लगेगा. जीरो से लेकर के नाइन है. राइट, जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होंगे वहाँ वहाँ पे तुम्हें लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा. डेफिनेशन कहाँ से चेंज है? जीरो से लेके पाई बाई टू तक एक डेफिनेशन है. तो जीरो से लेके पाई बाई टू तक यहाँ मैं क्या रखने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ साइन एक्स डी एक्स. पाई बाई टू से लेकर के नेक्स्ट डेफिनेशन कहाँ तक जा रही है मेरे पास? थ्री तक. थ्री तक यहाँ पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ? वन इंटू डी एक्स, दैट इज ओनली डी एक्स. एंड देन फाइनली वी हैव द थर्ड थिंग, थर्ड लिमिट रादर, दैट इज थ्री टिल नाइन. वट इज दैट? ई रेज टू द पावर एक्स माइनस थ्री डी एक्स. अब कुछ खास नया नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस सही तरीके से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, हाँ मॉडुलस वाली मैं बार बार कह रहा हूँ, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल वो भी नहीं है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं. मैथ्स को सबसे आसान सब्जेक्ट आपके सिलेबस का मैथ्स ही है, आप जानते ही हो. तो साइन एक्स का बताओ, साइन एक्स की इंटीग्रेशन में क्या लिख दूँ? क्या माइनस कॉस एक्स लिख दूँ? माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ. और यहाँ मेरे पास लिमिट आ गई कितनी? जीरो से लेके पाई बाई टू. और ये कितना हो गया? ये तो एक्स हो जाएगा. यहाँ मैं लिमिट क्या रखने जा रहा हूँ? पाई बाई टू से लेकर के थ्री. और ई रेज टू द पावर एक्स माइनस थ्री, इसको क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चा? इसको मैं लिखने जा रहा हूँ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस थ्री, और तो कुछ लिखूंगा नहीं. राइट, और लिमिट्स क्या रखूंगा? थ्री से लेकर नाइन तक. सो यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द आंसर. क्या आ जाएगा? ये माइनस ऑफ कॉस पाई बाई टू विच इज जीरो एंड माइनस ऑफ जीरो, यानी कि यहाँ मुझे ये वन दिख रहा है. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वन लिखा है. ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है प्लीज डू दी कैलकुलेशन. राइट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इस तरह की कैलकुलेशन में आपका कंफर्टेबल होना हाईली इंपॉर्टेंट है और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. आपको वैल्यूज रख के देखनी चाहिए एंड यू शुड डू देम. सो व्हेन आई पुट नाइन, व्हाट डू आई गेट? आई गेट ई रेज टू द पावर सिक्स एंड माइनस ई रेज पावर जीरो विच इज वन. तो ये वन और वन कैंसिल हो रहा है और फाइनल आंसर जो इसका होना चाहिए, ये होना चाहिए ई रेज टू द पावर सिक्स प्लस थ्री माइनस फाइव बाई टू. दैट शुड बी द फाइनल आंसर. अगर कोई डाउट है तो आप बेशक पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ना चाहेंगे. आगे बढ़े सर. इन क्वेश्चन देयर इज साइन ऑफ लेस देन और इक्वल टू, एंड इफ देयर इज इक्वल टू साइन नॉट देयर तब क्या होगा? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हारे पास इक्वल टू साइन हमेशा होगा, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी है कि जब तुमसे वो लिमिट्स निकालने को कह रहे हैं तो तुमसे वो एरिया निकालने को कह रहे हैं. जीरो से लेके फोर तक तुम्हें पूरा एरिया निकालना है, तो जीरो से लेके टू तक का कंप्लीट, फिर टू से लेकर के फोर तक का कंप्लीट, तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन हमेशा होगा. अगर नहीं भी होता है तो तुम कम्प्लीटली वैसी करोगे जैसे हमने सीखा है, यही ए टू सी एंड सी टू बी वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे. ठीक है, ऐसे इक्वल टू का साइन तुम्हें हमेशा मिलेगा, ऑलवेज. ओके अक्षित, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. राइट, एक ही मॉडुलस वाला देखते हैं. इसमें काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, स्पेशली वो बच्चे
जिन्होंने फंक्शंस को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है वो लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने फंक्शंस पढ़ा है उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैंने एक बात तुम्हें हमेशा बताई कि तुम्हारे पास कभी भी अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है तुम हमेशा उसको रीडिफाइन करने की हैबिट रखो, चाहे लिमिट्स है, डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, कभी भी कुछ भी है, राइट, एक्स प्लस वन है, आप उसको हमेशा रीडिफाइन करेंगे ऑलवेज, राइट। इसकी दो डेफिनेशन होती है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, दैट मींस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये कौन क्या होता है, व्हेन एक्स इज एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास कंक्लूजन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, और ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन इन द अदर केस, क्या, जब एक्स हमारा माइनस वन से छोटा होगा। तो जैसे ही तुमने ये दो डेफिनेशन लिख लिए अब इस क्वेश्चन में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसको सर्टेनली बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए मैं आपके लिए करके बताता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं और हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो माइनस टू से टू दे रखी है, तो मैं इसको माइनस टू से लेकर के और माइनस वन तक लेके जाऊँगा, और इसमें मेरे पास एफ एक्स कितना है, इट इज़ माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, और फिर माइनस वन से लेकर के और आगे तक कहाँ तक जाना है, हमें टू तक जाना है, तो मैं टू तक लेके जाऊंगा, और इस केस में मेरे पास डेफिनेशन कितनी है, इट इज एक्स प्लस वन, दैट इज ऑल। अब कुछ नहीं रह गया बेटा, बस वही काम रह गया जो आप हमेशा करते हो, तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी लिमिट्स आप यहाँ पे रख देंगे माइनस टू से माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पे कितना आने वाला है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और लिमिट कितनी होने वाली है, माइनस वन से लेकर के टू तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कर पाओगे क्या?